एग्रोनेस्ट की तरफ से सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे मटर की खेती के बारे में। मटर की बुआई के लिए हल्की भुरभुरी मिट्टी सबसे लाभदायक मानी जाती है, जिसमें जल निकासी अच्छे से हो। बुआई से पहले खेत को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए 3 से 4 बार खेत की जुताई कर लेनी चाहिए। इसमें एक बार जुताई मिट्टी पलटाने वाले हल से भी की जा सकती है। आखिरी जुताई से पहले 150 क्विंटल गोबर की खाद मिट्टी में मिला लेनी चाहिए और भूमिगत कीड़ों से सुरक्षा के लिए एल्ड्रिन 5% 25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से मिट्टी में मिला लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे बुआई के बारे में। उत्तर भारत में इसकी बुआई अक्टूबर से पहले सप्ताह से नवंबर के दूसरे सप्ताह तक की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी खेती मार्च से मई तक की जाती है। मटर की बुआई के लिए समतल या उठी हुई क्यारियों में बीज छिड़क कर की जा सकती है या इसके अलावा हल्के पीछे कतारों में भी की जा सकती है। बुआई के समय लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगेती फसलों के लिए बीज की मात्रा 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मुख्य फसलों के लिए 50 से 75 किलोग्राम होनी चाहिए। बुआई से पहले 2 ग्राम कार्बनडिज्म प्रति किलोग्राम बीज के दर से शोध कर बीजें। किसान भाइयों, ध्यान रहे, बुआई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी हो और फूल व फली बनते समय मिट्टी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। किसान भाइयों, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप मटर की उन्नत खेती कर सकते हैं। अगर आपको अपनी फसल या पशु से संबंधित कोई भी समस्या हो तो एग्रोनेस्ट की ऐप पर पोस्ट करें और ऐसी वीडियोस के लिए एग्रोनेस्ट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।